नमस्कार, विकास इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया चेसर के बारे में बताऊंगा। विकास इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये जो चेसर देख रहे हैं ये एक्शन चेसर है और जो आता है 6 चैनल में। ये जो चेसर आप देख रहे हैं ये चेसर 12 वोल्ट में चलता है और बहुत सारा डिमांड इस तरफ का चेसर में है। बहुत सारा लोगों ने हमको इस तरफ का चेसर का फोटो भेज के बताया गया जो ये अवेलेबल है कि नहीं। मैंने सोचा जो चलो भाई इसको अवेलेबल करके आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस जो चेसर है, इस चेसर को किस तरफ से आप चलाएंगे, इसका डिजाइन कैसा है, किस तरफ से कनेक्शन करना है, पूरा A to Z इस वीडियो में हमने बताया है। ये जो चेसर देख रहे हैं ये चेसर में आप 40 से 60 और 80 लड़ी चला सकते हैं आराम से। और ये चेसर में जो देख रहा है 10+ इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और ये जो चेसर देख रहा है ये चेसर आपका नेगेटिव में है और कभी कभी बार इस तरफ का चेसर ये पॉजिटिव में भी आते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं है और उसको आप कनेक्शन करके चला सकते हैं। बट मेन जो चीज़ है अवेलेबल, ये जो चेसर देख रहे हैं ये हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उधर जाके हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को बेस्ट प्राइस में ये प्रोवाइड किया जाएगा। अभी चलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जो कैसे इस चेसर का कनेक्शन लाइव करना है। उसके बाद हम दिखाएंगे खाता पेन पे जो कैसे इस तरफ का चेसर में कनेक्शन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को इस चेसर का पूरा इफेक्ट का डेमो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जो कैसे इस चेसर का कनेक्शन करना है, इसके साथ इस चेसर में कितना सारा डिजाइन है और ये डिजाइन किस तरफ से चलता है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में। आप लोगों को इस चेसर का कनेक्शन दिखाने के बाद हम खाता पेन में आप लोगों को दिखाएंगे जो कैसे इसका कनेक्शन करना है। उसके बाद आप लोगों को ये जो डिजाइन देख रहा है ये डिजाइन का पूरा फुल वीडियो रहेगा, आप लोग देख सकते हैं जो इस चेसर में कितना सारा डिजाइन है और कैसे चल रहा है। तो अभी चलिए किस तरह से इसका कनेक्शन है थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए आइए, इधर देखिए, इधर हमारा जो चेसर है हमने लगाया है। ये जो चेसर देख रहा है जो लाइट जिस तरफ से मूवेबल कर रहा है और डिजाइन भी उस तरफ से इधर भी मूवेबल कर रहा है। देखिए, इधर आप लोगों को मिलता है L1, L2, L3, L4, L5, L6 नंबर इधर टर्मिनल है, टोटल मिला के 6 चैनल है। और इधर से मैंने कनेक्शन किए हैं। मैं आपको पावर सप्लाई की बात करूं तो हमारे पास हाईलाइट का SMPS है। ये जो हाईलाइट का SMPS देख रहे हैं ये हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग चाहते हैं तो ये भी हमारे पास से ले सकते हैं। अभी देखिए, इधर मैंने हाईलाइट पे पावर सप्लाई दे दिए हैं, इधर SMPS में पावर सप्लाई, 2 पावर सप्लाई लेके आके दे दिए हैं। और इधर मैंने हमारा जो आउटपुट है 12 वोल्ट, मैंने आउटपुट लेके आके क्या किया, देखिए एक हमारा जो चेसर है चेसर में हम लोग पावर सप्लाई दे दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव में पावर सप्लाई दे दिए हैं। इसके बाद ये जो लाइट, जितना भी सारा लाइट जल रहा है ये लाइट पे एक कॉमन देना पड़ता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, जितना भी सारा लोग वीडियो देखे हैं हमारा इसके पहले चेसर का वीडियो, आप लोग जानते हैं कॉमन देना, इधर जो कॉमन देना पड़ता है वो है पॉजिटिव को। पॉजिटिव को कॉमन करने के लिए हमने इधर देखिए ये वाला जो वायर है ना, ये जो नील वाला वायर देख रहे हैं ना, ये जो नील वाला वायर हम लोग लेके गए हैं पूरा पूरा, ये जो इतना भी सारा लड़ी जल रहा है 12 वोल्ट का, सभी का लड़ी का कॉमन करने के लिए ये वाला हम लोग लाइन, ये वाला लाइन हम लेके गए हैं। ये नीला इधर से है, इधर से पूरा हमने येलो कलर यूज किया है। अभी मैं आप लोगों को इसका कनेक्शन के बारे में बताऊंगा ना, ये जो टर्मिनल का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा ना। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानता है बट मैं आपको बात करूंगा ना इसके कनेक्शन के बारे में, बहुत सारे लोगों को ठीक ठाक से पता भी नहीं है। इसके लिए इसका डायग्राम आपको फॉलो करना है, इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को डायग्राम खाता पेन लेकर ड्राइंग करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो इधर जो इतना सारा वायर है ना, इतना सारा वायर में मैं आप लोगों को समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे किए हैं। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए, इधर एक नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर पर हमारा जो लड़ी का जो नेगेटिव है ना वो एक नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर जो टर्मिनल है ना, 2 नंबर का लड़ी का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को हम इधर कनेक्ट करेंगे। 3 नंबर टर्मिनल है, 3 नंबर टर्मिनल का जो 3 नंबर लड़ी है उसका कनेक्ट करेंगे। 4 नंबर का टर्मिनल है, 4 नंबर से हम लोग 4 नंबर का जो नेगेटिव है, 4 नंबर लड़ी का जो नेगेटिव है उसको कनेक्ट करेंगे। इस तरफ से पूरा आपको नेगेटिव कनेक्ट करके जाना है। मान लीजिए इधर जो 6 चैनल है, आपने 6 लड़ी कनेक्ट कर दिया है, 6 लड़ी इसमें कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 लड़ी कनेक्ट करने के बाद अगेन जो 7 नंबर लड़ी है, 7 नंबर लड़ी का जो नेगेटिव है वो आपको अगेन वापस इधर लेके आके कनेक्ट करना है। इसी तरफ से कनेक्ट करना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इधर आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये देखिए एक सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए ये तो एक नंबर है, एक नंबर मैंने क्या किया है, एक नंबर का लड़ी जो है इधर तो मैंने कनेक्ट कर दिए है, बट मेरा तो इधर 12 लड़ी हमने यूज किए हैं। देखिए एक नंबर पोर्ट से अगेन एक वायर लेके गए हैं, ये वाला वायर देख रहे हैं, एक नंबर लड़ी इधर है, एक नंबर लड़ी से, एक नंबर पॉइंट से हमने अगेन एक वायर लेके गए हैं, ये वाला वायर। तो ये किधर आके कनेक्ट किए हैं, देखिए ये हमने कनेक्ट किए हैं इधर आके, मतलब ये हो गया हमारा 6 नंबर लड़ी,
इसके बाद से और भी लड़ी हमारा पड़ा हुआ है। तो इस तरफ से हमने पूरा लाइन को कनेक्ट किए हैं और डिजाइन जो है कुछ ऐसा चल रहा है। डिजाइन आप लोगों को जो देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसा है, जो अभी डिजाइन आपका वीडियो आप लोग फुल देखेंगे। बट डिजाइन का देखने से पहले आप लोगों को डायग्राम बताऊंगा जो खाता पेन में कैसे इसका डायग्राम किया जाता है। उसके बाद इस वीडियो का एंड में ही डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा फुल वीडियो, जो कैसे इसके डिजाइन काम करते हैं, जो कैसे डिजाइन है। तो चलिए अभी हम लोग खाता पेन में ड्रॉइंग करके जान लेते हैं जो कैसे इसका कनेक्शन करना है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिजाइन के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों अभी हम इस चेसर का डायग्राम आप लोगों को दिखाएंगे जो कैसे इस चेसर में आप बहुत इजी में कनेक्ट कर सके। हमने इधर अच्छा तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं, अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इस जो चेसर है, इस चेसर में टोटल मिला के 6 चैनल है। तो मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के मैंने 6 चैनल को ड्रॉ कर लिया है। इसके साथ हमने टोटल मिला के 6 चैनल के साथ 6 लाइन भी ड्रॉ कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के 6 लाइन है इधर। अभी मैं क्या किया हूँ, मैंने इधर रख देता हूँ इस कंट्रोलर को, यानी इस चेसर को। रखने के बाद देखिए 6 नंबर जो चेसर है ये है, 5 नंबर जो चेसर का पॉइंट है ये है, 4 नंबर जो चेसर का पॉइंट है ये है। इस तरफ से ये पॉइंट है और पॉइंट से मैंने वायर निकाल लिया है इस तरफ से। तो आपको क्या कहना है, फास्ट आपको एक अलग अलग कलर का आपको इधर जो वायर है एक निकल लेना है टर्मिनल से, जितना भी ज़्यादा दूर तक आप एलईडी को चलाना चाहते हैं। तो मैंने देखिए मैंने इतना तक वायर को खींच लिया है और टोटल मिला के आपको इधर अलग अलग कलर रखना है। अलग अलग कलर नहीं रखेंगे तो मिक्स हो जाएगा, तब आपको पता नहीं लगेगा जो कौन से के लिए है। मान लीजिए एक नंबर जो है, एक नंबर ये है, एक नंबर के लिए आप रेड रख रहे हैं तो खाता पेन में रख लीजिए जो एक नंबर वाला जो है एक है, दो नंबर वाला जो है ब्लू है, तीन नंबर जो है व्हाइट है। तो इसी तरफ से आपको ये याद रखना है, नहीं तो किसी भी तरफ से नोट करके रखिए, तब कनेक्शन करने में बहुत इजी हो जाते हैं। ओके तो अभी बताते हैं कैसे है किए हैं। पहले तो मैंने 6 टर्मिनल से 6 वायर को हमने निकाल लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, और एक वायर हम लोगों को जो देना है वो है कॉमन, जो कॉमन सभी चेसर में तो देना पड़ता है, सभी पिक्सल बोल रहा हूँ 12 वोल्ट SMD यानी 12 वोल्ट पिक्सल LED में तो लगता है। तो इसके लिए आपको कॉमन भी देना पड़ेगा, दोनों जब कनेक्शन देंगे तभी सही तरीके से जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। और ये जो चेसर देख रहा है, ये चेसर आते हैं भाई पॉजिटिव में आते हैं और नेगेटिव में आते हैं। देखिए पॉजिटिव का मीन्स पॉजिटिव इधर लिखा रहेगा, तो ये वाला जो चेसर है तब आपको पॉजिटिव से आपको कनेक्टिंग करना है। मैं यानी ये जो पोर्ट में देखिए, ये जो पोर्ट वायर जो है ना, ये वायर सब पॉजिटिव वायर है, और आपको नेगेटिव जो करना है वो कॉमन को माइनस, यानी माइनस नेगेटिव सभी का माइनस का जो है वो कॉमन करना है। सभी पिक्सल जितना भी सारा इधर लड़ी लगा है सभी का माइनस कॉमन करना है। मान लीजिए ये वाला जो है माइनस पे है, ये वाला जो चेसर है माइनस पे है, तो तब आपको कॉमन जो करना है सभी का वो प्लस को कॉमन करना है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ जो कैसे क्या करना है। देखिए मैंने टोटल मिला के 6 वायर निकाल लिए हैं। इसके बाद मैंने इधर 13 LED यानी 13 LED मैंने तारी लड़ी इधर लगाया है, और एक एक करके मैंने इधर ड्रॉ मार्क कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लगा दिए हैं। तो पहले आप देखेंगे एक नंबर पॉइंट ये है, एक नंबर पॉइंट से हमने वायर निकाल लिया था। तो एक नंबर पॉइंट का जो ये मान लीजिए पॉजिटिव का है, ठीक है, तो पॉजिटिव का है तो एक नंबर का जो वायर है आपको इधर लगाना है, एक नंबर का लड़ी का जो पॉजिटिव वायर है वो आपको इधर लगाना है। उसके बाद दो नंबर ये वाला है, दो नंबर से जो मैंने वायर निकाला था एक वायर, तो इधर मैंने लेके आके दो नंबर पे लगा दिए हैं। तीन नंबर का जो पोर्ट है, तीन नंबर से वायर लेके आके तीन नंबर का जो पॉजिटिव है तीन नंबर पॉजिटिव लगा दिया। तो इसी तरफ से पूरा 6 नंबर तक हमने लगा दिए हैं, देख रहे हैं 6 नंबर तक 6 चैनल है, 6 नंबर का पॉजिटिव हमने लगा दिया। मान लीजिए ये नेगेटिव है तो आपको इधर पॉजिटिव नहीं लगाना है, ये जो हम लोग पॉजिटिव लगा रहे हैं ना अभी, तो आपको नेगेटिव इसमें लगाना है। उसके बाद दो नंबर वाला पोर्ट पर लगाना है, तीन नंबर वाला तीन नंबर पोर्ट पर लगाना है, तीन नंबर का नेगेटिव तीन नंबर पे नेगेटिव पे लगाना है। तो इस तरफ से नेगेटिव जो ए वाला जो चेसर है, चेसर नेगेटिव में आएगा तब आपको नेगेटिव में लगाना पड़ेगा। ओके
ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आपको लगाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव वायर, पॉजिटिव का जो पिक्स 12 वोल्ट का जो पॉइंट है वो लगाना पड़ेगा। तो जिस तरफ से आपको मिलेगा उसी तरफ से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद बाकी इसके अंदर जो वायर आते हैं, मान लीजिए और एक तो वायर रह जाते हैं, तो ये जो वायर है ना, ये जो वायर मैंने इधर लेके गए हैं, ये वाला वायर है कॉमन वायर। तो बाकी जो वायर है ये सब सारे के साथ मैंने एक एक करके जो कर देंगे, ये तो कॉमन है, ये सभी को एक कर देंगे, सभी को कर देंगे एक, इसी तरफ से एक कर देंगे, इसको भी एक कर देंगे, सभी को कर देंगे एक, क्योंकि ये कॉमन है, इधर से दे देंगे, तो ये कॉमन है इसलिए मैंने इसको कॉमन कर दिया। ओके, अभी ये 6 नंबर का काम हो चुका है, इतना तक 6 पोर्ट है, 6 नंबर तक काम के। अभी देखिए, अभी ये मैंने वायर ना इतना तक रखे हैं क्योंकि हमको और भी लाइट लगाना है, इसलिए मैंने इतना वायर रखे हैं। इधर आके ख़त्म कर दे सकते थे, मेरे को जितना LED जितना दूर तक हमको लड़ी लगाना चाहिए उतना दूर तक आप वायर ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है देखिए, मैंने तो जान, मेरे को तो पता है एक नंबर में रेड है, R लिख के रखे हैं, रेड है, तो एक नंबर वाला जो रेड है लिख के रखे हैं, तो एक नंबर अगेन, ये तो 6 नंबर कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसके लिए अगेन एक नंबर में हम 7 नंबर वाला लड़ी लगाएंगे। ये देखिए, ये अगेन एक नंबर पे आपको 7 नंबर का जो पॉजिटिव लाइन है वो आपको इधर लगाना है, यानी प्लस का लाइन है जो। 8 नंबर देखिए 2 नंबर पे लगाया, 9 नंबर देखिए 3 नंबर पे लगाया, 10 नंबर 4 नंबर पे, 11 नंबर 5 नंबर पे, 12 नंबर 6 नंबर पे, और 13 जो नंबर जो लड़ी है हमने अगेन एक नंबर पे लगा दी है, क्योंकि 6 तो खत्म हो चुका है, तो इसी तरफ से जब 6 खत्म हो जाएगा तब एक नंबर पे आ जाएगा, अगेन उठता जाएगा, अगेन 6 जब खत्म हो जाएगा तब आबार अगेन एक में आ जाएगा, इसी वायर में आपका काम पूरा हो जाएगा। आपको पूरा इस तरफ से वायर जितना दूर तक लगाना चाहते हैं वो लगाना है। ओके, इसके बाद देखिए, ये दोनों जो पावर सप्लाई देना पड़ता है, SMPS आपको लगाना है, तो SMPS इसमें रेड में आपको पॉजिटिव लगाना है और ब्लैक में आपको माइनस लगाना है, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, SMPS लगा के आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगा देना है। इसके बाद आपको तो आपको इधर तो ये प्लस है तो आप प्लस कनेक्शन कर रहे हैं, तो प्लस को तो आपको लड़ी में मिल रहा है, आप इस तरफ से कनेक्शन कर दिए, और कॉमन को आपको इधर एक लंबा वायर करके सभी का कॉमन एक करके, इसके बाद SMPS से जो माइनस वायर दिए, नहीं तो इधर से जो माइनस वायर दिए थे ये लाइन लेके आके इधर आके कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका जो पूरा काम है ख़त्म हो जाएगा, मतलब आराम से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरफ से इस कंट्रोलर का जो है, इस चेसर का कनेक्शन कर सकते हैं। इस चेसर हमारे पास अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी में आपको नहीं दे सकते हैं, फास्ट पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा। आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्टॉक लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। 7407121864 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सॉरी कॉल मत करिए, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देकर रखे, उधर से भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट होगा बट आपको मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा और प्रोडक्ट पहुंच दिया जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अभी आप लोग प्रोग्रामिंग को एंजॉय करते रहिए। ये जो प्रोग्रामिंग, इसके अंदर जो जितना भी सारा प्रोग्रामिंग है वो आपको शायद अच्छा लगेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, प्रोडक्ट लेंगे तो आप जरूर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।